हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोग साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा हेयर मास्क जो आपके हेयर्स को शाइनी और स्मूथ तो करेगा ही, साथ में बहुत ही हेल्दी भी करेगा, क्योंकि हम अपने हेयर्स पे इतने ज्यादा प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं और अभी विंटर का टाइम चल रहा है तो हम अपने हेयर्स को ब्लो ड्राई ही करते हैं ज्यादातर, तो क्योंकि जल्दी सुखाने के चक्कर में और ठंड के चक्कर में तो हम उससे हमारे जो हेयर्स है वो बहुत ज्यादा रफ हो जाते हैं और जो एक ऑयलीनेस आ जाता है उसको भी बिल्कुल दूर कर देगा। तो इस हेयर मास्क जो हमें आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल ही नेचुरल है, आपको किसी भी तरीके का जो केमिकल होता है वो आपको अपने हेयर्स पे नहीं यूज करना है। तो कुछ दिन पहले मैंने अपने हेयर्स पे कलर किया था, मतलब 2 वीक या आई थिंक ऐसा ही कुछ हुआ है, तो उससे मेरे जो हेयर्स थे वो बहुत ज्यादा रफ हो गए थे, मतलब मुझे सुलझाने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता था। तो क्योंकि एक तो बाल बहुत कम है और उसमें भी इतना मेरे को ज्यादा बहुत ज्यादा बाल भी मेरे झड़ने लगे थे, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा ट्राई करते जिससे बाल वापस नॉर्मल हो जाए और मतलब कि रफ ना लगे और थोड़ी सी शाइनी भी हो जाए, क्योंकि इस कलर ने मेरे बालों की बेल्ट बचा दी थी। सो इसी तरीके से मैं आपके साथ कुछ शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने अभी यूज किया रिसेंटली, और ये आपने बहुत पहले भी सुना होगा। जा रही हूँ ये ऑर्गेन्ज नाम की ब्रांड है जिसके मेरे पास कुछ पाउडर्स हैं जो कि आपने आपकी मम्मी आपकी दादी आपको बताती होगी कि ये पाउडर्स कितने कमाल के हैं। तो मेरे पास पूरे 5 हैं, अभी हाथ में 4 ही आ रहे हैं, एक ये भी है। सो ये मेरे पास कुछ प्रोडक्ट हैं। तो इनमें से सबसे पहला पाउडर है हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, तो ये मे भी आपने नहीं सुना होगा बट ये आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आपके बालों में जो शाइन ऐड करता है वो बहुत कमाल की ऐड करता है। तो एक ये है, इसके बाद में है शिकाकाई पाउडर। शिकाकाई पाउडर ऐसा आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा, आपकी मम्मी वगैरह आपने जरूर बोला होगा कि ये पाउडर कितना अच्छा होता है। एंड आंवला पाउडर एंड रीठा और है हमारे पास में ब्रिंगराज। तो ये सारे जो पाउडर है, 4 पाउडर तो ऐसे हैं जो आपने यूज भी किए होंगे मे भी एंड आपने सुने भी होंगे, और ये जो है ये एक डिफरेंट है हिबिकस जो फ्लावर पाउडर है वो। बट ये सारे प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट है जो अगर आप चाहें तो मेहंदी में भी, आप अगर मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी में इसको मिक्स करके लगाएंगे ना तो एक अलग ही शाइन आएगी आपको बालों में और बहुत ज्यादा हेल्दी होंगे। तो मैंने किस तरीके से इसको यूज किया, क्योंकि मेरे बालों में ऑलरेडी कलर था तो मैंने मेहंदी में तो नहीं लगाया, बट हाँ मैंने इन 4 प्रोडक्ट को, 5 प्रोडक्ट को क्या किया, एक कटोरी लेके उसमें एक एक स्पून डाली, आपके हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं जितनी भी आपको मतलब लेंथ है आपके हेयर्स की। एंड उसके बाद में मैंने उसको पानी से भिगो के कुछ देर के लिए रखा एंड जस्ट अप्लाई कर लिया। तो इसको अप्लाई करना भी बहुत इजी है, और आप मेहंदी में यूज करेंगे तो उसमें भी कोई इसमें अलग से कुछ नहीं डालना है, जस्ट मेहंदी की तरह इसको आपको डालना है, एक एक स्पून डाल लीजिए एंड जस्ट रेडी आपका पेस्ट। एंड इसके बाद में हमें अपने हेयर पे अप्लाई कर लेना है, और इसको 30 मिनट के लिए इसमें लिखा हुआ है कि आप 30 मिनट तक रख सकते हैं इस मिक्सचर को, बट ये नेचुरल प्रोडक्ट है तो आप अगर 30-40 आप जैसे मेहंदी में लगा रहे हैं तो अगर आप ज्यादा देर के लिए रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। एंड इनकी जो प्राइस है वो है, एक जो जैसे हिबिस्कस पाउडर है 257 लिखा हुआ है, तो अगर आप तो एक ही खरीदेंगे तो मे भी थोड़ा सा आपको कॉस्टली लगे, सबकी प्राइस सेम ही है, बट अगर आप जैसे इनका पैक खरीदते हैं पूरा तो वो आपको कम कॉस्टली पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगी अगर आप अपने बालों में ट्राई करना चाहते हैं कुछ अच्छे प्रोडक्ट, अगर आपके केमिकली ट्रीटेड हेयर हैं और बहुत ज्यादा रफ हो गए हैं आपको वापस से, और अभी पार्लर जाने का आई डोंट थिंक टाइम भी है इतने ज्यादा, और कॉस्टली होते हैं पार्लर्स के जो जितने भी आप प्रोडक्ट वगैरह यूज करवाते हैं ट्रीटमेंट्स लेते हैं बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं और कुछ दिनों में वो शाइन वापस चली जाती है। तो इससे अच्छा है आप अपने बालों को घर पे ही नेचुरल तरीके से ट्रीट करें और धीरे 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 आप देखेंगे आपके हेयर्स की जो शाइन है ग्रोथ है बिल्कुल नेचुरल हो जाएगी। तो ये प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं, इजी टू यूज और बहुत ही ज्यादा मतलब कि अच्छा इफेक्ट आपके बालों में दे। इस हेयर मास्क को कोई भी यूज कर सकता है, आपके हस्बैंड भी यूज कर सकते हैं, मेरे हस्बैंड ने यूज किया, मेरे से ज्यादा अच्छा इफेक्ट तो उनके बालों पे आया एक्चुअल में, क्योंकि मेरे बालों में ऑलरेडी इतना ज्यादा मतलब कि वो डलनेस थी तो वो धीरे धीरे ही जाएगी, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट है। तो आपको पता है ये नेचुरल प्रोडक्ट है वो एकदम से केमिकल वाला इफेक्ट तो आपको देगा नहीं, धीरे धीरे ही देगा, बट उनके हेयर जो है बिल्कुल हेल्दी थे, कोई भी उस तरीके का केमिकल वो यूज नहीं करते, तो उनके बालों में बहुत ज्यादा स्मूथनेस और शाइन बहुत ही अच्छी आई है। एंड मेरे ये जो बाल है मैंने इनको मतलब ये 3rd डे है मेरा, तो देखिए कितना मतलब कि बिल्कुल भी जो ऑयलीनेस आती है आपके जो वो बिल्कुल भी नहीं आई, ऑयलीनेस बिल्कुल भी नहीं आई है एंड बहुत ही अभी तक मैनेजेबल लग रहे हैं, बहुत ही ऐसा नहीं है कि मेरे को मतलब वॉश करना पड़ेगा कल। तो
तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा इफेक्ट ये जो, तो यही था आज का वीडियो। और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपके बालों में किस तरीके का असर दिखा है आपने यूज किया है। तो सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।